तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे एपीसी की तरफ से आने वाले एक गेमिंग यूपीएस के बारे में, जो कि मैंने 4 साल पहले बाय करा था दोस्तों, ऑनलाइन ही बाय करा था और अभी तक ये मस्त चल रहा है। बस इसमें एक प्रॉब्लम आ चुकी है, इसकी जो आगे की बटन्स हैं उनको हार्डली प्रेस करना पड़ता था तभी वो वर्क करती हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और यूपीएस के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो दोस्तों अगर इसके बैकअप टाइम के बारे में अगर हम बात करें, जो कि मैंने इतना बड़ा यूपीएस ले रखा है, अगर आप जानना चाहोगे ज़रूर इसका बैकअप टाइम कितना है, तो इसका बैकअप टाइम मैं बता दूँ, अगर मैं गेम खेलते दौरान अगर मेरी लाइट चली जाती है तो ईज़िली मेरे को 10 मिनट तक का ये बैकअप दे देता है। ईज़िली हाँ 10 मिनट तक का तो दे देता है, और गेम ना खेल रहा हूँ तो इसका बैकअप 30 मिनट से ऊपर ही जाता है। हाँ भाई 30 मिनट से ऊपर ही जाता है भाई साहब, कत्ता ही जहर। इतना बैकअप प्रोवाइड करवाना है इसके लिए तो नॉर्मल बात है, क्योंकि 1000 VA का है और ईज़िली प्रोवाइड करवा देता है। पहले जो मेरे पास था ना वो 600 VA का था, वो तो भाई सीधा बंद ही हो जाता था। कोई गेम खेल रहा हूँ और लाइट गई तो PC बंद, बिल्कुल शांति छा जाती थी कत्ता ही। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको बाय करना हो तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो। इसके प्राइस भी आजकल आसमान छू रहे हैं काफ़ी। उस टाइम मैंने ये 8000 का लिया था, आई थिंक 8000 का, और अब तो बहुत देख लेना तो मेरे को पता नहीं है। तो भाई ये फ़ीचर भी तो उसी हिसाब से काफ़ी धांसू धांसू प्रोवाइड करवाता है। एक फ़ीचर मैं बताऊँ आपको, AVR क्या हो, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। इसमें क्या होता है कि अगर आपके वोल्टेज अप एंड डाउन हो रहे हैं तो ये वोल्टेज मेंटेन रखेगा 220 वोल्ट पे, ताकि आपके PC पार्ट्स को कुछ भी नुकसान ना हो। मतलब स्टेबलाइज़र की तरह है, स्टेबलाइज़र में नहीं होता है, कम को ज़्यादा कर देता है, ज़्यादा को कम कर देता है, मतलब सही, जो PC को ख़राब ना करे। तो इसलिए आपका PC भी काफ़ी सेफ हो जाता है, बिल्कुल ही सेफ। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको बैक साइड से, इसमें 4 पोर्ट जो हैं वो बैटरी बैकअप वाले मिलते हैं और 2 पोर्ट जो हैं वो एक्सटेंशन बोर्ड वाले मिलते हैं। तो यही सब कुछ इसमें आपको मिलता है। तो जल्दी से चलो इसको खोल डालते हैं, जल्दी से जुगाड़ बिठा देते हैं, कुछ जुगाड़ जुगड़ करके इसको ठीक कर देते हैं। वैसे जुगाड़ नहीं भाई, असली में ही मैं ठीक करने वाला हूँ इसको। इसका एक फ़ीचर मुझको काफ़ी अच्छा लगा, जैसे इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको मिलता है ना वो काफ़ी ठीक ठाक है। आपको पूरे UPS का कंट्रोल मिल जाता है आपके PC में, आप अपने मतलब सेट कर सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर। आप जैसे कि आपका बैटरी बैकअप 5% रह जाए तो आप अपना PC शट डाउन करना चाहते हो, ऐसे ऐसे आपको उसमें आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों हम UPS ही यूज़ क्यों करते हैं, इन्वर्टर भी तो है हमारे पास, उसमें बड़ी बैटरी है, ज़्यादा बैकअप मिलेगा, उसको यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो मेन पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आ जाता है हमारा स्विचिंग का टाइम, मतलब कि स्विच होने का टाइम। जो UPS होता है उसका फुल फॉर्म होता है अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई, मतलब स्विच होने का टाइम मेन पावर से बैटरी बैकअप पे स्विच होने का टाइम काफ़ी कम होता है उसका, बहुत ही कम होता है, 50 मिलीसेकंड से भी कम होता है। और इन्वर्टर जो होता है उसका टाइम 500 मिलीसेकंड होता है। जो ओल्ड इन्वर्टर आते थे उनका तो होता है 5 मिलीसेकंड्स, जो न्यू आ रहे हैं उनका टाइम धीरे धीरे कम ही करते जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। जो ओल्ड जिनके पास इन्वर्टर है वो UPS फिर यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका PC होता है बंद भैया, सीधा बंद होता है, तो उनको लगता है झटका के हमारा PC उड़ जाएगा, ग्राफिक्स कार्ड फूक जाएगा, तो इसलिए वो लेते हैं UPS। तो दोस्तों बातें तो बहुत हो गई, चलो अब इसको हम, इसका फ्रंट पैनल है ना जो, वो निकल आएगा बस डायरेक्टली। आपको स्क्रू ड्राइवर से थोड़ी सी जगह बनानी है और हाथ से खींच देना है बस, जैसे मैं कर रहा हूँ। वो भाई धूल फैल चुकी है, तो इसको हम ब्लोअर से साफ़ कर लेंगे। तो दोस्तों ये भी जो भी मैं ये करके दिखा रहा हूँ आपको, ये जब आपको तभी करना अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी हो वायरिंग वगैरह कैसे होती है, ये आप अपने रिस्क पे करना, नहीं तो पता चले बाद में सारा कुछ खोल दिया और बंद करना ही नहीं आ रहा है ऐसा मत करना दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों UPS हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो UPS ज़रूर लेना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ UPS नहीं लेना चाहिए। इंडिया जैसी कंट्री में रहते हो आपको UPS ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी प्रॉब्लम रहता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट भी करते रहते हैं कभी कभी तो किसी किसी एरियाज़ में, तो इसलिए आपको UPS ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन कौन सा लेना चाहिए वो डिपेंड करता है आपके PC पे, PC कितना पावरफुल है आपका, गेमिंग PC है या फिर नॉर्मल PC। गेमिंग PC है तो आपको मेरे जैसा APC का 1000 VA से ऊपर का या फिर यही मॉडल आपको लेना चाहिए। और अगर आपके पास नॉर्मल PC है, जो पहले ओल्ड आते थे पेंटियम बेस्ड, इसका पावर कंजप्शन काफ़ी कम होता है, तो उसमें चल जाएगा 600 VA वाला UPS,
जो कि 2000 रुपये की रेंज में आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में। मतलब यूपीएस आपके पावर पे डिपेंड करता, कितना कंजप्शन आपका पीसी कर रहा है उस पे डिपेंड करता, आपको कितना पावर का पीसी चाहिए। मतलब ब्रांडेड और बढ़िया बढ़िया कंपनी के आते हैं, एपीसी, माइक्रोटेक, इनके आपको यूपीएस लेने चाहिए, क्योंकि आपको फिर काफ़ी ज़्यादा वारंटी भी आगे प्रोवाइड करवाते हैं। आपको किसी भी लोकल ब्रांड का नहीं लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा कई अच्छे यूपीएस की, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। एक अच्छे यूपीएस लेने के काफ़ी फ़ायदे भी हैं, जैसे कि अगर आपके पास गेमिंग पीसी और आप गेम खेलते हो, जैसे बैटल रॉयल आप गेम खेल रहे हो और लास्ट में बचे हैं बंदे, 2-3 बंदे बचे हैं और आप गेम खेल रहे हो, अगर आपका पीसी बंद हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। जैसे कि एक बंदा मतलब बचा था और उस और पावर कट की वजह से आपको पूरा आपका कट चुका, आपका पूरा मैच जा चुका है और आपको लग चुका है धोखा अपनी लाइट से, तो आपको बहुत बुरा लगने वाला है। तो अगर उसी टाइम अगर आपके पास हो यूपीएस और साथ ही साथ अच्छा यूपीएस हो, तो आपको साथ साथ बैकअप भी प्रोवाइड करवा सकता हो और वो आपको झटका लगने से तो बचा ही सकता है। और अगर आपके पास हो भाई सस्ता वाला यूपीएस जो आते हैं 600 VA के, 2000 रुपये के, अगर वो वाले भाई आपके पास यूपीएस और आप कर रहे हो घातक वाली गेमिंग और लाइट चली जाती है, तो भाई आपको वो झटका से ही नहीं बचा पाएगा। बैकअप कहाँ से प्रोवाइड करवा पाएगा भाई? घंटा बैकअप नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा वो, क्योंकि भाई मैं खेलता था पहले तो सीधा सीधा बंद हो जाता था मेरा पीसी, बिल्कुल गेम खेलते खेलते वैसे चलता रहता था। अगर गेमिंग नहीं हो रही है, गेमिंग होते तो भाई सीधा बंद हो जाता था पीसी। तो दोस्तों ये तो रहा हमारे लो एंड यूपीएस का और एक हाई एंड यूपीएस का। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये जो मैंने ठीक कर दिया बिल्कुल, इसका फ्रंट के बटन्स हमने नए लगा दिए हैं और ये देखो कितना स्मूथ चल रहा है बिल्कुल। थोड़ा ही प्रेस कर दो तभी ये आराम से वर्क कर रहा है। फ्रंट बटन्स बिल्कुल ही ठीक हो चुके हैं और मिडल बटन जो है इसका, इससे आप ऑन ऑफ कर सकते हो यूपीएस को। और ये जो है यूएसबी प्लग, इससे आपको मतलब पीसी से कनेक्ट होता है ये, और इससे आप सॉफ्टवेयर से यूज़ कर सकते हो। और ये एसी मेन इससे कनेक्ट कर देंगे नीचे अपने एक्सटेंशन बोर्ड से। इसमें आ चुकी है पावर, इसको सीपीयू में कनेक्ट करेंगे। और ये हैं मेरे सारे वायर्स जो कि मैं लगाता हूँ, एक तो स्पीकर का, एक एसएमपीएस का जो कि पीसी का, और एक मॉनिटर का, और एक और लगाता हूँ मैं अपने राउटर का। तो इससे दोस्तों हमको पता चल जाता है कि एक ब्रांडेड यूपीएस एंड नॉट ब्रांडेड यूपीएस में क्या डिफरेंस है। मतलब कि एक पावरफुल ब्रांडेड यूपीएस काफ़ी ज़्यादा आउटपुट पावर और बैकअप प्रोवाइड करवा सकता है इजीली। और वो पहले लगाता था मैं 600 VA का, वो तो डायरेक्ट बंद हो जाता और उसमें आउटपुट पोर्ट्स भी इतने नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको कैसा मिलता है। जैसे कि देख सकते हो मैंने अपना पीसी स्टार्ट कर लिया और हम इसका ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर और यहाँ से हम रन सेल्फ टेस्ट करते हैं। इससे मतलब पूरी हमारा जो यूपीएस है वो पूरा टेस्ट हो जाएगा कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, जैसे कुछ भी ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सॉफ्टवेयर से पता चल जाएगा कि आपका यूपीएस ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी है। और देख सकते हो यहाँ पर पास लिखा आ चुका है, मतलब हमारा यूपीएस एक नंबर बिल्कुल काम कर रहा है, करता ही जहर। और यहाँ पे देख सकते हो कितना पावर यूज़ कर रहा है, अभी 75% चार्जिंग हो चुकी है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दे सकती हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।